ਦੀ ਕਥਾ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਸੋ ਨਿਰੰਤਰ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਸ਼ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ 8 ਤੋਂ 9 ਹੈ ਅਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਜੈਤਸਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਨਾਂ ਪਾਸੋਂ कथा श्रवण करके लाहे प्राप्त करिए जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। मूक उचरै शास्त्र खट, पिंग गिरन चढ़ जाए, अंध लखै बदरो सुनै, जाओ तुम करोह सहाय, अन तरिया ज्यों सिंध को, चहत तरन कर चाओ, बिन नौका कैसे तरे, लय तिहारो नाओ, डंडौत बंधन अनक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ, कृपा करहो दीन के दाते, मेरा गुण अब गुना बिचारो कोई, माटी का क्या तोपै स्वामी, मानस की गाते ही, साजन तेरे चरण की, होए रहा सद तूर, नानक सरन तुहारिया, पेखो सदा हजूर, नानक सरन तुहारिया, पेखो सदा हजूर, सज्जन सच्चा पात साहु, सिर साहा दै साहो, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक मन इच्छा दान करण, सर्वत्र आशा पूर्ण है, खंडन काल कलेश है, प्रभ सिमर नानक नह दूर नह। मन इच्छा दान करण, सर्वत्र आशा पूर्ण है, पतत पावन भगत वत्सल कृपा निदान, दसा पातशाहियां दी जोत, चौर छतर तख्त दे मालक धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ, सनिमर फतेह प्रवान करो जी, गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप संगत बड़े प्रेम दे नाल सत्कारयोग ज्ञानी जी पासों खालसे दे इतिहास की पंथ प्रकाश की कथा श्रवण कर रहे सी। आओ जैतसरी दी वार दी कथा चल रही है, शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित निम्रता दे पुंज धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज, आप पावन पवित्र उपदेश सानू कृपा करके बख्शिश करके दे रहे ने। सिख धर्म जेड़ा है, सिख शब्द जेड़ा है,
ये अपने आप दे विच ही बड़े निम्रता का वाचक है। तो गुरमत हृदय गरीबी आवे दे महावाकां अनुसार गुरु का सिख जिहड़ा है ये होमे हंकार तो सचे पातशाह ने इनू पासे रखिया। धन गुरु नानक देव साहब जदों सिद्धां दे पास गए तां सिद्धां ने महाराज जी नूं पुछिया भी तुहाडे पास किहड़ी शक्ति है, करामात है। तो महाराज नूं कहिंदे सी बाला, मैंने बच्चा भी बालिया, तूं इत्थे किस तरह पहुँच गया, इत्थे तां बड़े बड़े तपस्वी करामात दे धनी भी नहीं पहुँच पाउंदे, पर इन्नी छोटी जी उम्र, क्यों सिद्धां दे हिसाब दे नाल जिहड़ी महाराज दी उम्र है बहुत छोटी है। उन्होंने अपनी उम्र जिहड़ी है, अजकल भावें साइंस दा युग है कोई ना मन्ने, पर स्वास नूं जित के दसम द्वार दे विच स्थित करके उन्होंने अपनी उम्र जिहड़ी है वह वधाई हुई। क्यों जिन्हों सवास उत्ते कंट्रोल आ गया रहणगे ते उन्ने ही अणघाले सब दिवसास नै बटन घटन तिल सा। पर कजा तुसी एक घंटे विच इन्ने साह लैने ते कजा चौंकड़ा मार के सवास उत्ते काबू करके उहदी गिणती घटा देनी। इस तरह सिद्ध जिहड़े ने वह लम्मी उम्र जिहड़ी है वह भोग जांदे ने, हुंदे उन्ने ही ने, पर उन्हां दी खपत जिहड़ी है वह बड़ी घट कर लैंदे अभ्यास कर करके, साधना कर करके। तां महाराज ने अग्गों जवाब दिता वी साडे पास कोई करामात नहीं, एक वाहिगुरू का नाम है ते दूसरी असी गरीबी लई हुई। जिस गरीबी नूं लै के दुनिया में कोई भी बंदा राजी नहीं, वो भावें हिरदे की गरीबी कह लो, महापुरख संत बाबा करतार सिंह जी खालसा पिंडरां वाले उन्हां दे नाल बड़ा स्नेह सी संत बाबा तारा सिंह जी का, सरियाली साहब वालिआं दा। सरियाली साहब वाले सतपुरशां दा एक सेवक सी, उन्हों बाबा जी ने कहना तेनू जे कोई चाहिदा तो महाराज अगे अरदास करके दवा दिए, फिर ना कहीं साडा सज्जण आ तू। तो संतां ने कहा भी जदों ये शरीर छड जे, गुरसिख सी बड़ी कमाई वाला, कहिंदे इहदी याद च निशान साहब लाउणा, क्यों इहदा जीवन जिहड़ा वा बड़ा उच्चा ते सुच्चा है। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਗਰੀਬੀ ਕਹਿਣੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ एक सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव साहब ही लै सके, होर किसी के वास की गल नहीं। किडे किडे सिद्ध होए, योगी होए, सब होमे च सड़े, गरीबी तो जे मिली है तो महाराज श्री गुरु नानक देव साहब ने परमेश्वर तो ली। तो उत्थे उन्होंने थोड़ी जी जिहड़ी गरीबी की गल है वह होर हिसाब की है भी निम्रता, सिमल रुख सराय रात दीरगत मुच, ਹੋਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸ਼ੇ ਕਿਤ, ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ, ਮਿੜਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਗਰੀਬੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਬੜੀ, ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ ਮੰਗੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬਈ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਿਅੰਗਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਸਰ ਜੂਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ।
कहिंदा मैनूं बहुतात नहीं पता, बड़ी कमाई वाला गुरसिख होया पिछे जे शायद चढ़ाई कर गए ने, तो संतां दा बड़ा उहदे नाल प्रेम सी, तो वह कहण लगे भी मैनूं तां चाहीदी है कि मैनूं रब चेते चाहीदा, परमेशर चेते चाहीदा, वाहिगुरू चेते चाहीदा। तो वाहिगुरू जिहड़ा हंकारियां नूं भुल जांदा है, जिहड़ी पदार्थ की बहुतात आ वो परमेशर तो बेमुख कर दी। कोई विरला ही आ जिहड़ा पदार्थ की बहुतात भी होवे, पर वो तो फिर एक अद्धा ही होया। राजा जनक कहिंदे जिहड़ा माया चों वी निर्लेप सी, बाकी तो उहदा नाम जरूर यूज कर लैंदे ने, पर राजा जनक बने किहड़ा जिहदे उत्ते माया का असर ना पवे। तां गुरु घर दे विच तां उह ऐसा देख लो महापुरश होया जिन्हें सत पुरशां पासों गरीबी मंगी। तो संतां ने कहता सी कहिंदे फिर दिन औखे लंघणगे, कहिंदा कोई नहीं लंघा लांगे, पर वाहिगुरू कहिंदे वाहिगुरू तो फिर तेरे रोम रोम दे विच चलूगा, कहिंदे स्वास स्वास चलूगा तेरे, वाहिगुरू का तो साक्षात्कार कहिंदे 24 घंटे तेनों बनिया रहू। पर एडी कोई कुरबानी दे के राजी नहीं, परमात्मा हरेक नूं चैक करता भी मैं तेनों आह चीज़ देन लगा, ये वटे चल तेनों देखते हैं, आह चीज़ तेरे तो मैं खोण लगा, देखते हैं भी तू मेरे भाणे च राजी रहना कि नहीं रही। तो एक बड़ा वड्डा एस्ट्रोलॉजी का माहर संत होया, निर्मले संत जिहड़े हुंदे बड़ी विद्या पढ़े हुए, पंडोरी निजरां जलंधर के विच पिंड आ ना निर्मले संतां दा गढ़, महाराजा रणजीत सिंह जी ने जिथे जायदाद भेट की नमस्कार करन आए। तो बड़ा वड्डा नगर है साका ननकाणा साहब दे विच भी उन्हां दा बड़ा वड्डा सेवा है नगर की, हर साल याद शहीदां दी मनाउंदे ने। तो उत्थे भी एक संत होए बड़े, अगले नूं दस दिंदे सी भी तेरे नाल भविख च इह होणा, पर आप दे घर च औलाद ही कोई नहीं, गृहस्थी सी। महाराज ने दूजियां नूं दस्या भी तेरे मुंडा होना, तेरे कुड़ी होनी, तेरे इन्या काम होना, ते आप दे घर कुछ बना। तां उहनां नूं फिर पुछया भी लोकां नूं तां बड़ा दस्या, भविख अपना नहीं पता लगा। वो कहिंदे इह तां कह सकदे आ, पर जिन्ना महाराज ने मेरी जबान नूं सफला कीता ना, उहदे वट्टे महाराज ने मेरे तो ये चीज़ लई, क्यों जो मैं अज तक कहा वा वो सही होया। पर नाल नाल परमात्मा एक कुरबानी भी मंगता भी चल आ जा, फिर जे तू भविख दसदा तो मैं तेनों देखदा भी तू मेरे भाणे च राजी रहना कि डोलदा। तो वो देख लो भी सारी दुनिया नू दसण आले भी ते सिद्ध भी सी उन्हां दा सिस्टम, जो कहिंदे सी ठीक सी, पर अपने घर उन्हां दे एक भी औलाद ना हुई जिन्हां ने दूसरियां नू दस्या भी तुहाडे होणी। तो इस तरह वाहिगुरू के कौतकों नूं कोई विरला ही जानता। तो गुरु घर के विचों केड़ी दात मंगी जाती, गुरमत हृदय गरीबी आ, जिहड़ी हिरदे की गरीबी आ, निम्रता हंकार तो बिल्कुल जीरो। सो आप श्री गुरु नानक देव साहब फिर सिद्धा पास गए, तो सिद्धा ने आख्या महाराज भी असी साधु लोग हाँ, साडा भंडारा करो, सानू लंगर छकाओ, साडी सेवा करो, तुसी करदे नहीं। महाराज कहिंदे भी की छकना दा। तां सिद्धा ने शैतानी कीती महाराज दे नाल, सच्चे पातशाह दे नाल, भी असी सारिआं ने एक चीज़ ही खाणी, जां फिर इहनू इस तरह समझ लो जिवें गुरबाणी दी तुक दा दास थोड़ा जिहा उथान का रूप मान लो, जां विशा वस्तु मान लो, क्यों गुरबाणी दी तुक आ रही है भी मन दी हर इच्छा पूरी करन वाला, बंदे दी हर आस पूरी करन वाला, इदां दा कौन आ संसार च? कहिंदे इक वाहिगुरू तो बिना होर कोई नहीं। तां सिद्ध कहिंदे भी असीं सारे खुश होने चाहीदे आ। हुण घर दे विच दो न्याणे होण, दोवां दीआं डिमांडां वक्खरीआं, ते खुश कित्थों करना?
नाले एक गल भी बड़ी है कि कहिंदे दो लड़कियां सी, एक उन्हां दे घर व्याही गई जिथे मिट्टी दे भांडे, उस समय मिट्टी दे भांडे चलदे सी, दूसरी उन्हां दे घर व्याही गई जिहड़े खेती करदे। हुण पिता दोवां दा हाल चाल पुछण गया ते जिहड़ा घर खेती वाला सी वो लड़की कवे पिता जी जे महाराज मीह पा देना फिर असी बचदे हां। हुण पिता की कह सकदा, वो कहिंदा परमेश्वर कृपा करे, मैं भी अरदास करदा बेनती करदा। दूजी दा हाल चाल पुछण गया, उहदी डिमांड की सी, जे महाराज ने मीह पाता ते असी उजड़ गए, असी गए, असी भुखे मरांगे। हुण उह भी उहदी लड़की, दो बच्चियां नूं तुसी संतुष्ट नहीं कर सकदे। सारी दुनिया नूं संतुष्ट करे बिना वाहिगुरू तो कौन आ, कहिंदे कोई मेरी। सारी दुनिया नूं राजी रखे बिना वाहिगुरू परमेश्वर तो कौन है, कोई भी नहीं। तो महाराज सच्चे पातशाह योगी की कहिंदे, सिद्ध की कहिंदे, भी सानू संतुष्ट कर, राजी कर। तो योगियां ने सोचा भी महाराज ना कंध मूल जंगल दे विचों पुट्टण चले गए। सौ साखी दे विच इह वचन आउंदा है, योगियां ने सोचा भी कंध मूल जिवें आ शकरगंदी आदक धरती दे विचों जिहड़ियां चीज़ां निकलदियां जां जिहड़ियां दरख्तां ते लगियां वह तोड़न ते इकट्ठियां करन चले गए। इन्हां फिर शैतानी कीती भी इह तां फिर महाराज हारे नहीं। तां कहिंदे बिरत रूप इन्ने धार ले, महाराज नूं कहण लगे भी साढ़े ते दंद ही नहीं हैगे। गल तां महाराज नूं जित्तण दी सी, हराउण दी। तां जित्थों कड़ाह प्रशाद दी मर्यादा शुरू होई वी किहड़ी चीज़ महाराज नूं प्रवान हुंदी आ, भोग लगदा, उस तों बिना भावें तुसीं जो मर्जी महाराज नूं भोग लवाई जाओ, प्रवान तां उहने सब कुछ कर लैणा। हर एक चीज़ बड़ी जरूरी है जिहड़ी गुरू घर दी मर्यादा। हुण माता नूं मेवियां दा भोग लगदा, इसे तरह किसे नूं लड्डूआं दा भोग लगदा, किसे नूं पंजीरी दा भोग लगदा। चलो वह तो शरदा वा, कोई पतासे सुखी बैठा भी मैं पतासे चढ़ाऊं। मंदरां च फुलियां चढ़दियां सस्तियां वेख के कई बार गुरुद्वारे वाले भी रख लेंदे भी पतासियां दे हुण किहड़ा पैसे खर्चे, सस्तियां मिलदियां गुरुद्वारे वरताई चलो। पर हर धर्म की मर्यादा वक्खो वक्खरी, कोई विदकरा नहीं है, पर मर्यादा तो है, निजम तो है। तो सिखां ने महाराज नूं दसवें पातशाह नूं इह सवाल किया भी महाराज आप जी नूं किहड़ी चीज़ असी भोग लवाई। तो महाराज कहण लगे भाई सिखो, सिद्धां ने गुरु नानक देव साहिब नूं जदों आख्या ना साडा भंडारा करो, कड़ाह प्रशाद की मर्यादा कित्थों शुरू हुई ते किहड़ी चीज़ बहुत जरूरी है, बाकी भावें तुसीं 36 प्रकार के भोजन कट्ठे करो। तो उस समय फिर सच्चे पातशाह नूं धुर दरगाह तो रस्ता ही जिन्हों असी कहने तिहावल, तो भाई बाले नूं सच्चे पातशाह ने पर्दा करके कहा कि देग तैयार करो। सिद्धां दा इरादा भी इह कंध मूल तैयार करन लगे। तो सिद्धां ने जाण के बजुर्ग ब्राह्मणा दे रूप धार ले सी भी साढ़े ते दंद नहीं हैगे, असी की खाईए। तो महाराज कहिंदे कोई गल नहीं, इहो जी चीज़ तुहानूं खवावांगे भी दंदां दी भी लोड़ नहीं आ ते संतुष्ट भी सारे हो। तो फिर कड़ाह प्रशाद की देख श्री गुरु नानक देव साहब ने की। तो जिहड़े सिद्ध शैतानी करते सी, करामात वरते सी, रिद्धि सिद्धि वरतते, शक्ति वरत के ब्राह्मण रूप ते बजुर्ग रूप धारे, ये साढ़े दंद है नहीं, देखते हैं किहड़ी चीज़ खवाउंदे। क्यों बचन होया ना भी सानू संतुष्ट करो, असी राजी होने चाहिए ते सारियां नू मिलनी चाहिए। तो कहिंदे फिर अपनी ताकत उन्होंने लाई,
ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਵਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਧ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹਾਵਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਕਿਤੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਸਰਬੱਤਰ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੰਡਨੰ ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਨਹਿ ਦੂਰ ਨਹਿ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਆਦਿਕ ਮੈਨੇ ਅਵਿਦਿਆ ਅਸਮਿਤਾ ਰਾਗ ਦੁਵੈਸ਼ ਆਦਿਕ, ਅਵਿਦਿਆ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਆ, ਤਾਂ ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਠੰਡ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇ? ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਲ ਤੋਂ ਬਲ ਤੋਂ ਤੌ ਕਿਆ ਗੁਰ ਚੰਦਨ ਸੀਤ ਲਾਇਓ, ਨਹਿ ਸੀਤਲੰਗ ਚੰਦਰ ਦੇਵੈ ਹੈ, ਨਹਿ ਸੀਤਲੰਗ ਬਾਮਨ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਨਹਿ ਸੀਤਲੰਗ ਸੀਤ ਰੁਤੇਣ ਨਾਨਕ ਸੀਤਲੰਗ ਸਾਧ ਸਵਜਨ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਚੰਦਨ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਿਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਠੰਡਾ ਕਰੇ? ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਰੂਪ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਧ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਤਨ ਧਾਰਿਆ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਥੰਮੇ ਕੋਏ ਨਾ ਸਾਧ ਬਿਨ, ਐਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਸਵੈ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧਤੀ ਪਰ ਕਾਰਜ ਧਾਇਤੀ ਸਾ ਸਾਧਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਿਆ, 84 ਜੀ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦਾ ਮੇਟ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮੇਟੂਗਾ, ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਐਸੇ ਸਾਧ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਤ ਸੰਗੀ, ਤਾਂ ਅਵਿਦਿਆ ਅਸਮਿਤਾ ਆਦਿਕ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਵਿਦਿਆ ਅਸਮਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੇ ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁੱਠ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
कई तो मेरे अर्गे कड़ाह प्रशाद की देख वंडन लगे ही मुठ घुट लेंदे आ होर इन्हां किसे नूं की देना कुछ भी इहदे नाल मेरी बनती नहीं उस वेले हथ घुट लिया हालांकि भी करायत मनी जाती जे कड़ाह प्रशाद की देख एक सार नहीं वरतौंदा एक सम नहीं वरतौंदा पर वो करे कि वो हुण मन च चलती पई ना भी आ बंदे नाल मेरी बनती नहीं वो आप ही हथ घुटिया गया ते जिहदे नाल मेरी बनती आ उहनूं जाण के पुछी जांदा होर लैणी आ जे लैणी आ ते जा लंगर चो बाटा भर चुके लिया तैनूं भर के दवां हालांकि इहो जी कोई गल नहीं जे कोई सिख कहिंदा मैनूं होर दे ते दे सकदे आपां पर वैसे एक गल करते हैं गुरु दे घर च तुसीं देखिया नहीं स्टेज ते आपां कहिंदे भी ये संत साधु महापुरश ने अच्छा संत साधु महापुरश की कहिंदे भी गुरु ग्रंथ साहिब हाजर नाजर दस पातशाहियां ते जदों एक संत नूं आख्या जी उहनूं दूजे नूं सरूपा देना ओह नहीं नहीं मेरी उहदे नाल नहीं बणदी नाले हुणे ते तूं कहिंदा सी भी गुरु ग्रंथ साहिब हाजर नाजर हुणे कहिंदा तेरी उहदे नाल बणदी नहीं गल्लां ही आ के गुरु ग्रंथ साहिब हाजर नाजर ने मन दा कोई विरला ही नहीं ते महाराज दी हजूरी जी मन च ईरखा बैठी हुई आ भी उहदे नाल नहीं मेरी बणदी ते सैकटरी दे कान च फूक मार दी दी भी नाम जे लैणा पिया ना मजबूरी बन गई ते थोड़ा जिहा ही लई उह जिहड़ा सिंघ आ ना उहदा चंगा रीझ ना पंज मिंट ला के लई हुण इह महाराज दी हजूरी च हो रिहा सारा ते फिर असीं अरदास करनी हुंदी आ भी गुरु ग्रंथ च मान्यो प्रगट गुरां की दे वैसे तो चलो प्रेम की लड़ाई आ कई गुरद्वारे इदां दे भी ने कई बार समझ तो बाहर ही आ गल्लां चौर साहब करन तो गोलियां चला छड्डियां किते आखो किड्डी चमकौर साहब की जंग लगी हुई सी हुण इहनूं की कहीए महाराज का प्रेम आ कि की आ वाहिगुरू जाने हुण की कह सकदे सिखां ने महाराज का सरूप जदों सचखंड लैके जाणा मैं सिर ते चुके लैके जाणा जे दूजा बंदा लग गया लागे तो हिसाब ला लिया अपना हुण इहनूं प्रेम की कहीए शरदा की कहीए कि चौधरता की कहीए तो महाराज ही जाणदा भी उहदे दिल च की है तूं मैनूं शब्द नहीं पढ़न दित्ता आप तू एक घंटा हो गया पांच शब्द पढ़ ले मेरा एक वनीतर तो जरिया जांदा आ लड़ाई आ गुरद्वारियां च है तो देखण नूं सूक्ष्म जी आ है तो बड़ी प्रेम जी वाली आ भी मैं भी महाराज का शब्द पढ़ना पर जे तो इत्थों तक आ फिर तो कोई गल नहीं पर जे अंदर होर ही कुछ आ तो शब्द का एवें बहाना ही बनाया फिर तो महाराज घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला उहदी निगाह तो बाहर कोई नहीं भावें कीड़ी आ ते भावें हाथी देखदा ते सब नूं प्यार सो विशा होर पासे ना जावे तां महाराज कहिंदे उहदा सिमरन कर जिहड़ा वाहिगुरू तेरे तो दूर नहीं तेरे अंदर बैठा ते जाणदा है सब कुछ अपना आप स्वरूप होण करके काहे रे मन खोजन जाई सर्ब निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई ऐसे वाहिगुरु दे सिमरन दे विच महाराज कहिंदे देखो किड्डी वड्डी बरकत आ खेम शांत रिद्ध नव निद बुद्ध ज्ञान सर्ब तै सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ ऊतम इसनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदृष्टि समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन के मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन तो महाराज कहिंदे उस वाहिगुरु दे सिमरन दे विच आ सारा आओ महाराज सच्चे पातशाह तो दात मंगीए कि सानू भी सिमरन करन दी आप कृपा करके तरस करके साड़ी झोली विच दात जिहड़ी है वह पाओ असी भी आप जी का सिमरन करिए क्यों गुरु साहब की कृपा तो बिना ना किसी तो सेवा होंदी ते ना किसी तो सिमरन होंदा नहीं तो आप सावण दी संगरांद दा बड़ा सुंदर शब्द सुनिया है हर मिलणे नूं मन लोचदा चाहुंदा ते हरेक दा है कर्म मिलावण जदों गुरु कृपा करदा फिर मिलदे
अपना नाम जपावो वाहेगुरु, अपना नाम जपावो, अपना नाम जपावो वाहेगुरु, अपना नाम जपावो, अपना नाम जपावो वाहेगुरु, अपना नाम जपावो, अपना नाम जपावो वाहेगुरु, अपना नाम जपावो। इस तरह महाराज अगे अरदासा करे, बेनतियां करे, क्यों पंथ प्रसिद्ध विद्वान वो भी देख लो झोली अड के महाराज के चरणों चो ये दात मंगते। डॉक्टर भाई वीर सिंह जी तो इतों तक लिखते आ भी संगणा नहीं है, शर्म नहीं करनी गुरु ग्रंथ साहब के सामने। झोली अट के जिमें भीख नहीं मंगी थी तो की कहना, से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। इदा का ढो मेला बने, इदा का वातावरण ही बन जाए कि तेरे मुख चो अपने आप वाहेगुरु का नाम निकले। जदों संजोग ही बन गया, जदों परालब्धी बन गई, मथे का लेख ही बन गया, फिर तो ना चाहद्या भी वह काम होगा। हम देखो एक शराबी बंदा, उन्होंने पता शराब माड़ी आ, पर की कहिंदा मेरे कर्मी एडे माड़े, मैनू भी पता माड़ी है और नहीं मैं छड़ पाऊंगा। तो कहिंदे कर्मी एडे चंगे बन जाण, संजोग ही एडे चंगे बन जाण, ते बनाउण वाला कौन है? दसां पातशाहियां दा साक्षात रूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब मन्ने जांदे ने। तां इस तरह मार उस मालक अगे परमेश्वर अगे अरदासां करे कि हे सच्चे पातशाह, विसर नाहीं दातार, अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात, नानक चाहोए। अपना नाम जपावो वाहेगुरु, अपना नाम जपावो, अपना नाम जपावो वाहेगुरु, अपना नाम जपावो। विसर नाहीं दातार, विसर नाहीं दातार, विसर नाहीं दातार, विसर नाहीं दातार, अपना नाम देहो, अपना नाम देहो, अपना नाम देहो, अपना नाम देहो। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह दे चरणों च बेनती करे, तो सच्चे पातशाह कहिंदे हन बड़े प्रेम दे नाल, प्रभ सिमर नानक नह दूर नह। जिहड़ा अपना आप स्वरूप है वह दूर नहीं तेरे तो, तेरे अंदर ही बैठा है, पर जिन्ना चिर तू सिमरन नहीं करता उन्ना चिर वह प्रगट नहीं अंदर। हुण धरती च पानी तो है, पर हुण मेहनत करनी पेगी, कई लैके पुटांगे, बोर करांगे, दे उपर आके कार्ज सिद्ध करूगा। इस तरह साधना रूपी जिन्हां ने कई की वरतों की, निष्काम कर्मा रूपी साधना की वरतों की, उन्हां दे अंदरों प्रगट हो के सारे कार्य सिद्ध किए। प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा, कोई साधन रह ही नहीं जाता ये। तो इस करके महाराज कहिंदे उहदा सिमरन करना चाहीदा है। अब रंग माण है जिस संग तैस्यो लाइए नेहु, जिस वाहिगुरु दे नाल तू सारे रंग माणेगा। जिवें श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वालिआं नूं पंथ रतन संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी कहिंदे ने, खालसा पिंडरां वाले वड्डे महापुरश, कि सौ काम करना के एक सौ होने नहीं आ, किथे किथे लत्तां फसाउणियां, किहदा किहदा ध्यान रखोगे। खलारा उन्ना की पाउणा चाहीदा है जिन्ना क सांभ सकीए, जे मन ही अशांत होया तो इहो जे खलारे तो लैणा की। सौ काम करना के एक, जिवें उपनिषदां दे विच बड़ा सुंदर आउंदा है, मुंडे नूं हंकार हो गया विद्या पढ़ के, अपने प्यो नूं मत्था ना टेकिया, नमस्कार ना कीती,
आकड़ दे विच जा के घरे 12 साल बाद जाके बह गया, मैं तेरे नालों ज़्यादा पढ़िया, तू तो अनपढ़ा, तेनू की आता। पिता समझ गया भी इनू हंकार हो गया, यह पढ़ ज़्यादा गया। तो बड़े प्रेम दे नाल पिता, तो फिर पिता ही है ना, वड्डा दिल हुंदा, मापे को मापे नहीं हुंदे। वो कहिंदे की पढ़िया, वह कहिंदा जी आ भी पढ़िया, आ भी पढ़िया, आ भी पढ़िया। प्यो ने वेख्या लोहा गर्मा, वह कहिंदा पढ़ नहीं तो एक चीज़ ही सी, वह एक नूं पढ़ लिया, जिन्हों पढ़िया सब कुछ ही पढ़ जाइदा। कहिंदा इहो जिहा ग्रंथ तो मैं वेख्या सुनिया ही नहीं। एक नूं जान लिया, जिन्हों जाणिया सब कुछ ही जान लईदा, तो जिन्हों ना जाणिया जे उस एक नूं नहीं ना तू जाणिया, भावें जिन्ना मर्जी तू पढ़ जा, तू कख भी नहीं जाणिया, सिर च सवाह ही पाई अपने। जिवें महाराज कहिंदे ना, जिहड़ा आपदे आप नूं बहुता सियाणा समझदा, उह काहदा सियाणा, कहिंदे दिमाग ते भार ही चुकी फिरदा है। हुण किन्ना भार चुकदा होगा भी अगले नूं मेरा भेत ना पता लगे, किन्ना मूँह मिठा बना के दिखाउणा पैंदा। ते गुस्सेखोर बंदे दा इक फायदा ते है ना, उस वेले लड़ पिया, पता लग गया भी आह इहदे ढिड्ड च गल आ ते निकल आई। किन्ना दिल दा खोटा होगा भी इन्ना कुछ अंदर लुको के रखदा ते विखाउंदा की आ। बड़ी ताकत चाहीदी इस काम वास्ते, इन्ना जहर सांभना ढिड च ते दिखाउणा की उत्तों। तो महाराज गुरबाणी कहिंदी, जिहड़ा आपदे आप नूं बहुता चतर समझदा, सियाणा समझदा, की आ कहिंदे भार ही चुकी फिरदा है, अपनी सुरत उत्ते किन्ना भार चुकी फिरदा। कहिंदे उहदा गुस्सा करन दी लोड़ नहीं, कहिंदे गुस्सा तो आउंदा ही आउण, जदों अग्गों बंदा बोलदा है तो उह बड़ी सोहणी एक उदाहरण दिंदे। कहिंदे जिवें डॉक्टर होस्पिटल जांदा, जिहड़ियां नर्सां ने ना, नर्सां उह कहिंदियां वी जदों डॉक्टर सानूं दबके मारदा ना, तुसीं मरीज़ चैक कीता कि नहीं कीता, इंजैक्शन दिता कि नहीं दिता, सानूं बड़ा गुस्सा आउंदा जदों डॉक्टर दबके मारदे। वो अगली गल बड़ी सोहनी, वह कहिंदे वह नर्सा नूं किसी ने आख्या जदों मरीज तुहाडे नाल लड़दा उदों, कहिंदे बिल्कुल नहीं आउंदा। क्यों नहीं आउंदा? वह तां सानूं पता वा बीमार आ, सानूं पता वा बीमार आ। तां कहिंदे फिर इदां ही जे डाक्टर तुहानूं खिज खिज के पैंदा ते तुसीं समझ लो ये भी बीमार आ। कहिंदे नहीं, वह तो चंगा भला वा, तंदुरुस्त आ। वो ठीक है, वो बाहरों तंदुरुस्त आ, पर अंदरों तो डॉक्टर भी लोभ का बीमारी का शिकार होया पिया, इस करके करख्त बोलता, मत्थे त्यूड़ी पैंदी आ। तां समझ लो जदों बंदा कोई क्रोध च बोलता पिया, वो इहदा बीमार आ, इहदा गुस्सा की करना, इहदी ते सगों अरदास कर महाराज इहदा तंदुरुस्त करे। पर वह करके राजी नहीं, निंदिया करके सारे राजी, फलाना ऐ करता, फलाना वह करता, तो फलाने की अरदास करते महाराज के चरणा च भी, महाराज नूं ठीक कर दे। तो इस तरह तन की बीमारी है, इस तरह मन की बीमारी है। तो वह पिता जी वो कह लगे उस चीज़ को जान लिया, जिन्हों जाणिया सब कुछ ही जान लईदा, तो जिन्हों नहीं जाणिया कुछ भी नहीं जाणिया। भावें बहुत मेहनत की जिंदगी दे, बड़ा ज्ञान इकट्ठा किया जिंदगी दे, महाराज एक गल बड़ी सोहनी कहिंदे, उस एक दे नाल जुड़िया तू हर रंग बनेगा, कोई ऐसा रस नहीं आ जिहड़ा तैनू नहीं प्राप्त होगा। उस एक दे विच्चों ही तैनू सारे रस प्राप्त होणगे। बड़ा वड्डा रस है, दुनियावी रासत नहीं इहनूं कहा जांदा। हब रंग माणे जिस संग तै स्यों लाईऐ नेहो, हब मैंने सारे रंग मैंने आनंद, जिहदे नाल जुड़न करके तैनू प्राप्त हो जाणगे। उस वाहिगुरु दे सिमरन दे नाल तू अपना नेह कर, प्रेम लाउणा कर। सो सहो बिंद ना विसरो, नानक जिन सुंदर रचिया देहो। उस वाहिगुरु सौ पति मालिक परमेश्वर नू बिंद मात्र समा भी, एक सकेंट समा भी उनू ना भुल, ना उदी याद तो पासे हो, जिस वाहिगुरु ने एडा सोहना शरीर तेरा रचिया,
जिस वाहिगुरू ने तेनों 84 लाख जूमनी की सरदारी दिती हुई है, जिस सोहने शरीर के विचों परमेशर की प्राप्ति होंदी है, जिस शरीर का कोई मुल ही नहीं है, हाथ कटिया जाए तो भावें करोड़ों रुपया दे दे, कितों इहोजा हाथ प्राप्त करेगा? ठीक है, नकली ला भी लवेगा और वो गल नहीं बनेगी। निगाह का कोई मुल है, हथां पैरां का कोई मुल है। अगे पौड़ी विच भी इसे दी व्याख्या समझ लीए तां सच्चे पातशाह बड़ा सुंदर फरमाउंदे ने पौड़ी अंदर, पौड़ी जियो प्राण तान धन दिया दीने रस भोग। जिस वाहिगुरु ने जियो चेतन सत्ता दिती है, आत्मा दिती है, फिर प्राण दिते ने, शक्ति दिती है। हुण मान लो आत्मा तो शरीर च है, पर जे जान ही ना होवे तो हिल नहीं पावेगा, कुछ कर नहीं पावेगा। इस करके जिस वाहिगुरु ने प्राण शक्ति दिती, शरीर नूं ऊर्जा दिती हुई है, जिहड़े सारे कार्ज करदी है, ये सोहना शरीर तन दिता है, तन माया दिती हुई है, तो पदार्थां दे भोगां दे रस भोगण वास्ते इस बंदे नूं दिते हुए हन। गृह मंदर रथ आस दिए राच भले संजोग। फिर गृह मकान दिता है, मंदिर वड्डे महल दिते, चढ़न वास्ते सोहणे रथ दिते ने, सवारी वास्ते घोड़े दिते हुए ने, और भले संजोग भी रचे ने, परिवार बड़ा सोहना है। तो गुरबाणी ने भी बड़ा सुंदर जिक्र किया है, पनिया शाद ननीका अनाज मंगो सत सीका, गऊ भैंस मांगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी, ते फिर अखीर घर की गी हन चंगी जन धन्ना ले वै मंगे। संजोग भी बड़े सुंदर ने, भी वस्तु दी वैसे संजोग विजोग दो इदा दियां चीजां ने, सारी दुनिया ही महाराज कहिंदे इत्ते चलदी, संजोग विजोग दोए कार चलावै लेखै आवै पाए। थोड़ा चिर संजोग चलता है, फिर वजोग शुरू हो जाता है, एक एक मैंबर की डैथ होंदी है, फिर उस तरह जिवें दरख्त के पत्ते पुराने झड़ जाते हैं नवे फिर आउणगे, तां सारी उम्र संजोग भी नहीं चलता, वजोग का भी समा आएगा एक दिन। तां जिस वाहिगुरु ने एडा सोहना संजोग दिता, मनुखा जन्म देखो तुसीं, महापुरख कहिंदे सी कि सब तो वड्डी दात की आ मनुखा जन्म है। गुरबाणी ने इन किन्ने प्रमाण दिते, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलण की इह तेरी बरी, जिन्हों कह सकते हैं भी लास्ट स्टैंड, ये बाद पता नहीं पैर लगने के नहीं लगने, ये बाद की गरंटी है। कई सज्जन तुसीं देखे ना, हौसला होवे तो इदां दा होवे, नहीं हुण तां लंघ गिया पर अगले जन्म च अमृत छकांगे, किड्डा इहनूं यकीन, किड्डी इंश्योरेंस कराई है, वेखो भी अगला तैनूं यही देना महाराज ने। तुसीं देखोगे कई मिल गए तुहानूं सज्जन इस तरह के, अंध विश्वास कहिंदे आ भी धार्मिक बंदे अंध विश्वासी आ, मनमुखां तों वड्डा अंध विश्वासी कोई नहीं आ, उह गरंटी लई बैठे भी अगे फिर बंदे ही बनना। धार्मिक बंदियां नूं ते नजायज अंध विश्वासी कहिंदे आ। धार्मिक बंदा कितना अंध विश्वासी हो गया जिहड़ा कहिंदा भी गुरबाणी दे अनुसार जिहड़ा कहिंदा भी आह ही जन्म, जे कुछ करना ते कर, फिर नहीं तो जिदा पिछले लंघे ने यह भी चलिया वा, कि रोक रहा किसी, जिमें पिछले शरीर गए सी धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह, मन रे कौन कमत लीनी, पर निंदया रस रचियो राम भगत ने हकीनी। फिर महाराज सच्चे पातशाह की कहिंदे ने, ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो, नह उपजियो कछ ज्ञाना, घट ही पीतर निरंजन तेरे तय खोजत उद्याना।
ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ ਸੁਰਹੁ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸੰਯੋਗ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਏਡਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਛਕਾਂਗੇ ਪਰ ਆਹ ਲੰਘ ਗਈ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਯੋਗ ਇਹ ਸਮਾਂ ਭਲੋ ਸਮੋ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਯੋਗ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਮ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਟੰਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਭਲੇ ਸੰਯੋਗ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਯੋਗ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਤ ਬਨਤਾ ਸਾਜਨ ਸੇਵਕ ਦੀਏ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਜੋਗ ਸੁਤ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਬਨਤਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੱਜਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਵਨ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਲਹ ਜਾਹੇ ਵਿਜੋਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਕ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਸਤੂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਪਰ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਪਦਵੀ ਦਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਵਸਤੂ ਚਲੇ ਗਈ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵਿਯੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵਿਯੋਗ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਫਿਰ ਵਿਯੋਗ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਗੁਣ ਰਮ ਹੋ ਬਿਨਸੇ ਸਭ ਰੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋੜ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋੜ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੁੱਧੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਉਹ ਅਸੀਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਪਈ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ
इंद्रियां सफल होंदिया नहीं तो गुरबाणी विच स्पष्ट लिखा मिथ्या तन नहीं पारोपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब पए सफल दे नानक हर हर नाम लय। सो किडे किडे महापुरश पारोपकार वास्ते अपने शरीर नू सफल करन वास्ते बड़ा सुंदर शब्द आता है नैण ना देखै साध से नैण बहालिया। ये नैण जिहड़े संगत दे साधु दे दर्शन नहीं ना करदियां ये अखां ये बह जाण जां इहनू कहिंदे बह जाणियां निगाह खत्म हो जाए जिहड़ी निगाह परमेशर दे प्यारियां दे दर्शन नहीं करदी। रसना जपै ना नाम तिल तिल कर कटिए रत्ती रत्ती करके जबान वढ देनी चाहीदी है जितों वाहिगुरू का नाम नहीं निकलता। ता शरीर की सफलता मन की सफलता मन बाणी करके जिहड़ी सफलता प्राप्त हुंदी है वह सतसंग दे विच जाके प्राप्त हुंदी है। इस करके सच्चे पातशाह कृपा करन तरस करन मेहर करन आप कृपा करन मेरे माधव जी सतसंगत मिलै सो तरिया। सो शब्द ओही तरेगा जिवें आउंदा ना अवर काज तेरे किते नाकाम मिल साध संगत भज केवल मीनस ओनली वो चैक नहीं लिखते आपां पिछे लिख देईदा ओनली चवानी वध नहीं चवानी भी वध नहीं दुखी भी वध नहीं बस नाम जपेगा इतो बिना होर कोई साधन नहीं सिखां च। इस करके मेरे माधव जी सत संगत मिलै सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके कास्ट हरिया होइया भुला चुका दी खिमा लेखै कते ना छूटी है खिन खिन भूलण हार बख्शन हार बख्श लै नानक पार उतार हर सिमरत तन मन हरिया लह जाहे विजोग साध संग हर गुण रमहो बिनसे सब रोग। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।